हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नाटक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, और इसमें जो हम लोग का चल रहा है लेसन नंबर फर्स्ट, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और इसमें हम लोगों ने चार लेक्चर पढ़ चुका था, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका क्रिया सिद्धांत क्या होता है, यानी कि वो किस तरीके से कार्य करता है, प्लस उससे रिलेटेड जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें पलामू कैसे जनरेट होता है। देखिए, मैंने आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब उसका क्रिया सिद्धांत बताया था तो उसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दोनों फ्लक्स आपस में क्रियाएं करती हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे पलामू जनरेट होता है और मोटर जो है चलने लगता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसमें मैं आप लोगों को डायरेक्शन के साथ दिखाऊंगा कि इसमें आपका डायरेक्शन भी रहेगा और किस तरह से मोटर रोटेट करने लगता है, और वो चीजें भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। ठीक है, यानी कि वही थ्योरी है लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, सारी थ्योरी वही रहेगी लेकिन इसमें थोड़ा सा फोकस कर दिया जाएगा बलाबूंद पे। ठीक है, तो बलाबूंद से रिलेटेड जितने भी नॉलेज रहेंगे वो इसमें हम लोग देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें बलाबूंद कैसे जनरेट होता है, और ये दोनों जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा हेडिंग हो गया थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न बलाबूंद। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बलाबूंद कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारा क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ये जो है आपका स्टेटर है, और इस स्टेटर पे जो है जो वाइंडिंग लगी हुई है वो हमारी क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा रोटर है, और इस रोटर में जो वाइंडिंग लगी हुई है वो हमारा क्या होता है, रोटर वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये भी आपका है कि जो वाइंडिंग स्टेटर पे लगी रहती है, कंपेयर टू आपका क्वेश्चन स्टेटर पे लगी हुई वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, और प्लस आपका रोटर पे लगी हुई वाइंडिंग को क्या बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाते हैं कंपेयर टू एग्जाम के, कि हम जो है स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगी रहती है उसको हम कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं या फिर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं, कौन सी वाइंडिंग। इसके लिए चार ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई भी ऑप्शन उसमें से एक सही रहेगा और आपको चूज करना रहेगा। तो फिलहाल स्टेटर में जो वाइंडिंग लगी रहती है उसको हम स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं, और जो रोटर पे वाइंडिंग लगी रहती है उसको हम रोटर वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने मान लिया है कि ये हमारा कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, और ये इसका स्टेटर है और ये इसका रोटर है, और इस पे जो वाइंडिंग लगी है वो स्टेटर वाइंडिंग है, और रोटर पे जो वाइंडिंग लगी हुई है वो आपका रोटर वाइंडिंग है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को यहाँ से हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, ये आपका आर वाई बी और ये आपका न्यूट्रल, जब इसको हम क्या करते हैं स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो स्टेटर जो वाइंडिंग है यानी स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगी है वो आपकी एक क्लोज सर्किट होती है। तो क्लोज सर्किट होती है जिसके कारण स्टेटर में जो है आपका करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। जब आपका स्टेटर में करंट फ्लो होने लगता है तो इस करंट के कारण स्टेटर में एक आपका घूर्णी फ्लक्स उत्पन्न होता है। घूर्णी फ्लक्स उत्पन्न होता है, क्वेश्चन आपका पूछता है कि जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई हम देते हैं तो उसमें किस प्रकार की फ्लक्स उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो जब इसको हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर क्लोज सर्किट होता है, जिसके कारण इसमें जो है करंट फ्लो होने लगती है, और करंट फ्लो होने के कारण स्टेटर में जो है एक आपका घूर्णी फ्लक्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसका जो आर्मेचर है वो इंडक्शन मोटर के बीचों बीच स्थित होता है, और इस पे जो वाइंडिंग रहती है वो जो कंडक्टर होते हैं वो घूर्णी फ्लक्स को कट करते हैं, घूर्णी फ्लक्स को कट करते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, यहाँ पे एक पॉइंट आपका है कि किस नियम के कारण जो है जो आपका इंडक्शन मोटर का रोटर होता है उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार जो आपका रोटर होता है इसमें क्या होता है कि
आपका एक विद्युत वाहक बल्ब जनरेट हो जाता है, और चूंकि ये सर्किट जो रोटर पे जो वाइंडिंग लगी है वो सर्किट क्लोज होती है, जिसके कारण इसमें जो है एक हाई करंट फ्लो होने लगती है। अब यहाँ पे एक अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये चौथा पॉइंट। यहाँ पे देखिए कि रोटर सर्किट में जो विद्युत वाहक बल्ब जनरेट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रोटर सर्किट में जो आपका विद्युत वाहक जनरेट होता है उसकी दिशा जो है हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। और जब हम दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसके उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं, तो विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो आपका यहाँ से पांचवा जो पॉइंट है वो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होती है। ये आपका पांचवा पॉइंट है जेई के लिए, यानी कि कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो जब हम क्या करते हैं, रोटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को फैराडे के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं, तो इसमें उत्पन्न जो ईएमएफ है, यानी जो विद्युत वाहक बल इसमें जनरेट होता है, उसकी दिशा जो है सप्लाई के विपरीत होती है, यानी कि वो सप्लाई का क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें विद्युत वाहक बल जनरेट हो गया, अब इसका सर्किट चूंकि क्लोज है तो इसके कारण इसमें क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगती है। अब जब इसमें करंट फ्लो होने लगती है तो करंट फ्लो होने के कारण रोटर जो है अपना एक अलग फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है, रोटर जो अपना एक अलग फ्लक्स जनरेट करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोटर जो अपना एक अलग फ्लक्स जनरेट करता है उसके बाद यहाँ पे देखिए, यह है हमारा स्टेटर, ये देखिए फिगर नंबर फर्स्ट है, ये हमारा स्टेटर है, ये ऊपर का जो है दिखाया हमने फिगर, ये मैग्नेट, ये जो है ये हमारा क्या है, स्टेटर है, ठीक है, ये जो गोला का पार्ट दिख रहा है यही हमारा ऊपर जो हमने बनाया है, ठीक है, स्टेटर है, और इसके जो नीचे मैंने बनाया है ये स्टेटर और इसके बीच में ये रोटर है, ऐसे दिखाया गया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रोटर है। तो समझिए कि रोटर के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न हुई, ये ऐसे ये रोटर के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न हुई, ठीक है, अभी आर्मेचर कंडक्टर पे लग रही है। अब यहाँ देखिए ये स्टेटर के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स है, तो ये स्टेटर के द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स है उसकी दिशा क्या है, ये दक्षिणावर्त है, ये हमने दिखाया है दक्षिणावर्त, यानी कि ये फ्लक्स जनरेट हुई यहाँ पे जो स्टेटर में जो सप्लाई दिए हैं, तो इसमें जो स्टेटर फ्लक्स उत्पन्न हुई है इसकी दिशा क्या है, दक्षिणावर्त है, यानी कि घड़ी की सुई के दिशा में है, यानी कि फ्लक्स जनरेट होने के बाद स्टेटर फ्लक्स जो है इस दिशा में जो है वो घूमने लगी है, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगी है, ठीक है। और अब देखिए ये तो घूमने लगी है, अब क्या होता है, जब इंडक्शन के द्वारा क्या हुआ है कि रोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और रोटर में भी धारा यानी करंट फ्लो होने लगी है, तो वो भी अपना एक अलग फ्लक्स जनरेट किया है, तो उसकी दिशा देखिए, ये हमारा क्या है, स्टेटर है, स्टेटर फ्लक्स की दिशा इधर है और ये हमारा रोटर है, और ये जो हमने गोल गोल इस पे दिखाया है ये इसके कंडक्टर है, ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स हमने दिखाया है। अब रोटर द्वारा क्या होता है कि जो मतलब स्टेटर के सापेक्ष जो फ्लक्स आपकी रोटर की उत्पन्न होती है, यानी रोटर की जो फ्लक्स उत्पन्न होती है उसकी दिशा क्या होती है, वो वामावर्त होती है, यानी कि विपरीत दिशा में होती है, स्टेटर के विपरीत दिशा में, यानी कि रोटर के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो यहाँ जो स्टेटर के द्वारा घूरी फ्लक्स है उसके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, यानी कि स्टेटर अगर दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है स्टेटर का फ्लक्स, तो रोटर का फ्लक्स जो है वामावर्त दिशा में घूमेगा, ठीक है, किसके सापेक्ष, स्टेटर के सापेक्ष, तो यहाँ पे जो है ये कंडक्टरों में फ्लक्स जनरेट होता है, तो ये आपका हो गया फ्लक्स, रोटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, और इसकी दिशा क्या होगी, वामावर्त, यानी कि इस दिशा में विपरीत दिशा में, ये ऐसे देखिए इसका डायरेक्शन मैंने इधर बनाया इस डायरेक्शन में उल्टा दिशा में, जबकि रोटर ये स्टेटर में क्या है, इस दिशा में, ठीक है, तो ये रोटर के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। अब क्या होता है कि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स दोनों आपस में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में क्रिया करते हैं, तो क्रिया करते हैं तो इससे क्या होती है, एक पैरामिक फ्लक्स जनरेट होती है, तो वो पैरामिक फ्लक्स हम देखते हैं, ये सेकेंड फिगर था और ये हमारा थर्ड फिगर है, ये आपका स्टेटर हो गया
और ये आपका हो गया रोटर, ठीक है, ये आपका हो गया रोटर। तो रोटर हो गया ये गोल, और इस पे जो हमने ये बनाया है सारे क्या है, कंडक्टर है। तो अब देखिए, अब होता क्या है कि जब ये दोनों फ्लक्स आपस में मिलती हैं तो फ्लक्सों का कुछ इस तरीके से आकार हो जाता है, यानी कि इस तरीके से थोड़ा ये तिरछी हो जाती है, जो आपकी घूरी फ्लक्स सीधी सीधी आ रही है ये थोड़ा सा मतलब ऐसे तिरछा हो जाती है, ऐसे इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से। ठीक है, मतलब कि वो थोड़ा कंडक्टर है ऐसे, तो थोड़ा इसमें ऐसे तिरछा गिरने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये आपका है स्टेटर फ्लक्स की, स्टेटर फ्लक्स का डायरेक्शन, तो ये फ्लक्स क्या होता है, देखिए कंडक्टर है इसके, तो कंडक्टर के इधर की तरफ क्या कर रही है, एक दबाव डाल रही है, ठीक है, यानी बल लगा रही है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी तिरछे है, स्टेटर फ्लक्स की दिशा में, जो ये पूरा मिक्स होके क्या बन गया, जो हमारा जो पायरामिक फ्लक्स आया है, यानी कि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स, ये दोनों जब आपस में मिक्स होती हैं तो ये क्या होता है, रोटर फ्लक्स की दिशा में थोड़ी मुड़ी हुई करंट, थोड़ी मुड़ी हुई फ्लक्स बनती है पायरामिक फ्लक्स। तो ये क्या करती है, रोटर में स्टेटर फ्लक्स की दिशा में एक इस पे बल लगाती है, तो जब बल लगाती है तो इससे क्या होता है, रोटर पे एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और जब रोटर पे एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो रोटर जो है घूरी फ्लक्स की दिशा में, यानी कि स्टेटर फ्लक्स की दिशा में क्या होता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो फिलहाल अब आपके यहाँ पे लग रहा होगा कि जो हमारा स्टेटर है, यानी कि जो रोटर है, उस पे किस तरह का बलाघूर्ण जो है उत्पन्न हो गया, क्योंकि मैंने पूरा जो है आप लोगों को डायरेक्शन सही बता दिया। ये आपका स्टेटर का डायरेक्शन है और ये आपका रोटर फ्लक्स का डायरेक्शन है, और जब दोनों आपस में मिक्स होती हैं तो इस तरह की फ्लक्स बनती है, और जब इस तरह की फ्लक्स उत्पन्न होती है तो ये इस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में रोटर पे जो है बल लगाने लगती है, तो इससे क्या होता है कि रोटर पे बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, अब जब बलाघूर्ण उत्पन्न होता है तो आपका रोटर जो होता है वो रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो मोटर होता है वो चलने लगता है। तो फिलहाल ये आपका एडिंग था कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है और उसमें जो है किस तरीके से बल उत्पन्न होता है, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे जो एक एग्जाम के, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो ये जो फ्लक्स है, जो यहाँ पे संयुक्त फ्लक्स है, इसकी जो दिशा ज्ञात की जाती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। ये जो हमारा संयुक्त फ्लक्स है इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। ये भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग पहले बताया है कि ये जो हेडिंग है वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप एक वीडियो में एक ही हेडिंग देखिए तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग चैनल के साथ जुड़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब भी मैं आप लोगों को भेजूँ तो वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग सारी चीज़ें जो है अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है।